चुनाव के दौरान उम्मीदवार अक्सर धर्म जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से एक अहम फैसले में आज कहा कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। चुनाव एक धर्म निरपेक्ष पद्धति है। इस आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। जनप्रतिनिधियों को भी अपने कामकाज धर्मनिरपेक्ष आधार पर ही करने चाहिए। कोर्ट ने हिंदुत्व मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी RP एक्ट के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। ये जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की जद में होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके तहत सवाल उठाया गया था कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत उसके धर्म की बात है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी थी कि उसके धर्म का दायरा क्या है, प्रत्याशी का या उसके एजेंट का भी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।